लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और खुद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं। हुड्डा के साथ चुनावी रण में गुलाम नबी आजाद भी उतर गए हैं। गन्नौर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। सोनीपत लोकसभा सीट पर कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में हैं। अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हुड्डा खुद चुनाव प्रचार के मैदान में हैं। गन्नौर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। गुलाम नबी आजाद के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर बोलते हुए हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के आने पर सबका समान विकास कराया जाएगा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गुलाम नबी आजाद ने भी बीजेपी पर वार किए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो झूठ को भुना देती है। हमारे समय में ना खाद पे टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे था, ना ट्रैक्टर पार्ट पे था, और डीजल हिंदुस्तान में सबसे सस्ता था। आज क्या भाई, टैक्स पे टैक्स, सब पे टैक्स लगा दिया। जो कट्टा खाद का 800 रुपए का था, आज 1450 हो गया। और जब अब क्या, अब गेहूँ आ गए, 5 किलो वजन घटा दिया, और गेहूँ आ गए, जुमले के जाओ मंडी में कहीं बारदाना नहीं, परेशान है। सुरक्षित रहे, राष्ट्रपिता भी रहे, और आप इसमें इनका मेल मिलाप भी रहे। ये आपके सामने मेरी सरकार को धक्का देना है, एक ही रास्ता है। अब सवाल पूछेंगे आपसे कि कांग्रेस की सरकार आ गई, आप क्या करोगे? बता दिया होगा दिलीप शर्मा जी ने, तो पहले तो किसान का कर्जा माफ करेंगे, दूसरा जैसे हमने हरियाणा में सरकार आई। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में हरियाणा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। इस मौके पर सबने कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। अब देखना होगा कि जनता 12 मई को किसे वोट देती। खबरें अभी तक के लिए दलवीर राठी की रिपोर्ट।